हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं चिल्ड्रन राउटिंग। सो चिल्ड्रन राउटिंग होता क्या है, विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू डू दिस ट्यूटोरियल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड प्लीज यू कैन फॉलो मी ऑन द फेसबुक इंस्टाग्राम, आई विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड लास्ट टाइम हमने बेसिक राउटिंग की बात करी थी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि राउटिंग होता क्या है। एंड देन उसके बाद ये ट्यूटोरियल देखना थोड़ा बेनिफिशियल होगा। सो दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एंगुलर, और अगर आप ऊपर देखते हैं तो दिस इज अ बेस यू आर एल, और आफ्टर दैट देर इज अ स्टार्ट, राइट। सो ये एक राउटिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर मैं किसी एक सब मेन्यू पर क्लिक करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, एक इसने स्टार्ट राउटिंग को अटैच किया है आफ्टर स्टार्ट, मतलब अभी का यू आर एल है बेस यू आर एल /start/start राउटिंग। फिर मैं किसी और सब मेन्यू पर क्लिक करूँ, देन स्टार्ट डेटा, इसका मतलब कि स्टार्ट आफ्टर स्लैश ये चीज़ों को चेंज कर रहा है। सो दिस इज इन रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन, हेयर द स्टार्ट इज अ पेरेंट, और उसके बाद जो चीज़ें चेंज हो रही है दैट इज चिल्ड्रन। और इसका बेनिफिट क्या होता है पेरेंट और चिल्ड्रन का, मतलब ये होता है कि आप किसी भी पेज पे पेरेंट का डेटा के साथ साथ जितना भी चिल्ड्रन के कंपोनेंट्स हैं या पेज है उन पर आप दिखा सकते हो पेरेंट का डेटा भी। सो दैट इज वाई दिस बेनिफिट ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन राउटिंग। सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल, लेट मी ब्रिंग द विजुअल स्टूडियो कोड। सो दिस इज माई विजुअल स्टूडियो कोड। सो इसके लिए मैं दो कंपोनेंट्स को ऐड करता हूँ, वन इज पेरेंट द अदर वन इज चिल्ड्रन। सो लेट ऐड द कंपोनेंट एन जी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, और मैं इसका नाम रखता हूँ पेरेंट। सो पेरेंट नाम का फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर चार फाइल्स होंगी, टी एस फाइल, सी एस, सी एस एस एंड एस टी एम एल। सो ठीक है, पेरेंट इज डन। और मैं दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ विद द नेम चाइल्ड प्रेजेंटर। सो चाइल्ड विल ऑल्सो बी क्रिएटेड। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड क्रिएट हो चुका है मेरा। अब मैं राउटिंग फाइल ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे राउटिंग ही डिफाइन करनी है, एंड द एल्स फंक्शन विल रिमेन सेम। और कुछ भी चेंज नहीं होता किसी भी फाइल में, चेंज होता है राउटिंग फाइल में। सो मैं यहाँ पर दोनों दोनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड को कोड पर काम करें तो यहाँ पर इंटरेक्शन के थ्रू भी इम्पोर्ट हो जाता है। सो इम्पोर्ट फ्रॉम पेरेंट स्लैश पेरेंट कंपोनेंट। सो यहाँ पर मैं नाम रखता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। इम्पोर्ट From slash children child component, और इस component का क्या नाम है, that will automatically come here child component, right? So दोनों component को import कर लिए, अभी relationship define करना है। Now syntax बिल्कुल same है जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। So path, और मैं इसका नाम रखता हूँ parent कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट है तो उसके साथ मैं पेरेंट कंपोनेंट को अटैच कर देता हूँ, राइट। अभी मैंने पेरेंट कंपोनेंट डिफाइन किया, मतलब सिंपल राउटिंग डिफाइन करी। अब चिल्ड्रन राउटिंग डिफाइन करना, वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करते हैं कॉमा चिल्ड्रन, एंड दिस चिल्ड्रन विल एक्सेप्ट द एरे। जैसे कि मेरा राउट है, वो राउट राउट क्या करता है, एरे डिफाइन, एरे एक्सेप्ट करता है, और एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं एरे के अंदर, और हर ऑब्जेक्ट में मिनिमम दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वन इज पाथ द अदर वन इज कंपोनेंट। सो चिल्ड्रन के अंदर भी सिंटैक्स इज रिमेन सेम। सो ये ऑब्जेक्ट हुआ पाथ चाइल्ड कॉमा कंपोनेंट, एंड यहाँ पर क्या होगा चिल्ड्रन कंपोनेंट, राइट। सो पेरेंट और चिल्ड्रन कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप इस तरीके से डिफाइन होता है राउटिंग फाइल में। मैं इस बार ऐप को रन करता हूँ, npm start। सो एक्सपेक्टेड मेरा ये कि अगर मैं पेरेंट स्लैश चाइल्ड करूंगा, ठीक है, तो मुझे पेरेंट का डेटा और चाइल्ड का डेटा दोनों का दोनों दिखना चाहिए। दिस शुड बी एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेट्स सी कि रिजल्ट क्या दिखता है। सो ऐप कंपाइल हो रहा है। सो पेरेंट में मेरे ख्याल से पेरेंट में डिफॉल्ट एचटीएमएल होगा पेरेंट वर्क, एंड चाइल्ड में होगा चाइल्ड वर्क। सो ये दोनों ही एचटीएमएल मुझे दिखना चाहिए। So still it's compiling. Let me bring up the browser and localhost 4200. अगर मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप करूँ parent slash child, so
आप यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का डेटा ही शो कर रहा है, चाइल्ड का नहीं शो किया। इसका एक ही रीजन है एंड दैट इज, आपको याद है कि राउटर आउटलेट लिखते हैं, राउटर आउटलेट हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं, वो मेन कंपोनेंट पे होता है। अभी मेन कंपोनेंट क्या है मेरा, ऐप डॉट कंपोनेंट। अगर मैं स्टेबल पे देखूँ तो आउटर आउटलेट डिफाइन है, ठीक है। लेकिन अभी मैं राउटिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पेरेंट और चिल्ड्रन राउटिंग होती है। सो पेरेंट राउटिंग इज एन मेन कंपोनेंट ऑफ द चाइल्ड ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। सो मेरा पेरेंट कंपोनेंट में जाऊंगा, आपका पेरेंट कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, मेरे जो मैंने डिफाइन किया वो पेरेंट के नाम से ही है। और एचटीएमएल पे जाकर एंड पेस्ट दिस राउटर आउटलेट एंड सेव इट। सो दिस इज द मेन यू नो पॉइंट दैट हैज टू बी रिमेंबर। तो कंपाइल हो चुका है एंड लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो ब्राउजर। सी पेरेंट का डेटा दिख गया एंड चिल्ड्रन का दोनों दिख गया, राइट। सो इस तरीके से पेरेंट और चिल्ड्रन दोनों का डेटा आप शो कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। So please subscribe this channel if you're not yet subscribed, and you can ask me question regarding current or any previous tutorial. So we'll see you next. Thank you.